20 किलोमीटर्स बचा है और इसको कवर करने में बस 32 मिनट्स का और टाइम है। देखिए इधर से हम लोग आए हैं इस साइड से और यहाँ पे गाड़ी पार्क है। व्यूइंग पॉइंट दिख रहा है, वहाँ हमको जाना है और जब हाई टाइड नहीं होता है तो यहाँ से उतर के फिर इस एरिया में घूम सकते हैं। यहाँ पे सैंड रहता है बट अभी हाई टाइड की वजह से पूरा पानी है। Check the mic and make sure it sound right, boys. तो जैसा कि आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा जो कुंकेश्वर टेंपल का है, वहाँ से आने के बाद हमने अपने ना सारा सामान पैक कर लिया और अभी इसे गाड़ी में रख रहे हैं और आज हम MTDC रिजॉर्ट से चेकआउट करने वाले हैं। आज day 3 है, अभी सुबह के 9:15 बज रहे हैं और सारे सामान पैक हो चुके हैं। रूम भी हमारा हमने चेक कर लिया कि कुछ रह तो नहीं गया, तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और चलिए अभी पहले चेकआउट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए हमने चेकआउट कर लिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा स्टे काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे और इजीली यहाँ पे हमने चेकआउट वगैरह कर लिया, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं और सीधा देवगली जाएंगे जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। वो यहाँ से 76 किलोमीटर है यहाँ से डिस्टेंस और 2.5 से 3 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बीच में हम कहीं रुक कर देख रहे हैं कि अल्फांसो आम जो यहाँ का बहुत फेमस है तो वो लेंगे और देखते और भी कुछ अगर मिलता है तो वो सारी चीज़ें थोड़ी शॉपिंग करेंगे मार्केट में और इस जगह को बहुत मिस करेंगे कुंकेश्वर को। मतलब काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे रह के हमें, काफ़ी काम एंड कंपोज जगह है और डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कभी और अगर हमें मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आएंगे। तो चलिए फ़िलहाल अभी देवगली के निकलते हैं और देखते हैं वहाँ हमें रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है, मतलब कैसे रास्ते होंगे वो इन्जॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि देवगली बीच कैसी है। तो हम भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं और हमारा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा कि कैसा है अभी रत्नागिरी का, क्योंकि काफ़ी कुछ हमने सुना है उस बीच के बारे में कि काफ़ी सुंदर है और लेट्स सी हम किस टाइमिंग पे पहुंचते हैं और वहां जाके हमारा एक्सपीरियंस कैसा होता है, विल शेयर इट विथ यू। तो चलिए अभी चलते हैं। तो हम लोग अभी गांव के एरिया में ही है इसीलिए हमने अभी थोड़ी देर के लिए सन ओपन कर दिया। शौर्य ने कहा उसे बीच व्यू इन्जॉय करना है यहाँ से, तो हमने कहा चलो ठीक है थोड़ी देर तुम इन्जॉय कर लो क्योंकि हाईवे में तो हम इसे ओपन नहीं कर सकते हैं। और 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है, काशेली में है बीच। अभी 64 किलोमीटर और बचा हुआ है, 1 आवर 25 मिनट का टाइम दिखा रहा है पहुंचने का, तो अराउंड 12 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहां पे 1 घंटा वैसे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे बीच, देखते हैं कैसा है। पिक्चर्स में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है बीच, व्यू पॉइंट है, प्लस आप वहाँ से उतर के नीचे जा सकते हैं, दो साइड से माउंटेन से ब्लॉक किया हुआ बीच टाइप से है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखते हैं अभी जा कर के कैसा है। बाकी अभी रास्ता हम लोग थोड़ा फॉरेस्ट एरिया टाइप से लग रहा है लेकिन पास में मतलब दो रोड के दोनों साइड आम के पेड़ हैं भरे हुए। देवगढ़ का हापुस आम बहुत फेमस है तो उसी के सारे पेड़ हैं, तो हम लोग देख रहे हैं अगर कहीं पे मिल जाए हमको बिकता हुआ तो ले लेंगे कुछ, लेकिन अभी तक ऐसा सच कुछ दिखा नहीं है। बट आइडियली कोंकण रीजन में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो रोड साइड में जिसका भी पेड़ वगैरह होता है आम का वो लोग अपना बेचते हैं तोड़ के, तो देखते हैं
देखते जा रहे हैं हम लोग, मिल जाए कहीं तो ले लेंगे। बाकी ये देखिए काफ़ी अच्छा एंट्रेंस बना रखा है कुणकेश्वर में एंट्री के लिए। ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से एक बैक वाटर का एरिया है। ब्रिज जैसे आप उस साइड से क्रॉस करके इधर आते हैं तो कुणकेश्वर है। काफ़ी सीनिक ब्रिज है ये, तो रास्ते बहुत ही खूबसूरत है और ये ब्रिज बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और सामने ये जंगल जैसा जो एरिया दिख रहा है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो आई थिंक आगे बहुत ही अच्छा रास्ता देखने को मिलेगा, ऐसे जंगल वाले रास्ते मिलेंगे। और जब हम लोग ये देवगली ब्रिज जा रहे हैं ना तो बहुत ही जंगल वाले रास्ते और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये बादल जब देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि कॉटन बॉल्स जैसे पूरे शेप में और बहुत सुंदर लग रहे हैं, एकदम आसमान साफ है और बहुत ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। लोग काफ़ी कम दिखे हमें इन रास्तों में, मतलब आराम से हम लोग ड्राइव करते स्मूथली निकलते गए और बहुत, और यहाँ पे ड्राइविंग काफ़ी स्मूथ है। मतलब ये पूरा घाटी का एरिया है, लेकिन मतलब जंगल का एरिया है, नॉट घाटी का एरिया, बट रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, कहीं भी कुछ भी खड्डे नहीं है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है इन रास्तों में ड्राइव करने में। और चलिए अभी आप भी रास्तों को इंजॉय करिए, मिलते हैं हम आपसे आगे। और ये देखिए इस रोड पे मुझे कार चलाते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं रनवे पे प्लेन चला रहा हूँ और अभी टेक ऑफ कर जाऊंगा। तो अब ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर बचे हैं और ये हम 40-45 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। तो फिर चलिए रास्ता वहाँ पहुँच कर हम आपको दिखाते हैं बीच कैसा है। और हमारे साथ जो भैया थे, हमने बोला था उनको कि हमारी गाड़ी की क्लिप लीजिए पीछे से, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारी गाड़ी अकेले सुनसान सड़क पे, आप कह सकते हैं दोनों तरफ हरियाली और बीच में हमारी ब्लैक हैरियर जा रही है, तो बहुत ही अच्छा एक व्यू देखने को मिल रहा है। काफ़ी पास आ चुके हैं, अराउंड 20 किलोमीटर्स बचा है और इसको कवर करने में बस 32 मिनट्स का और टाइम है। तो मोस्टली हमारा जो प्लान था, एज़ पर द प्लान हम लोग चल रहे हैं और अराउंड 12:15 तक पहुंच जाएंगे और फिर वहां पे एक घंटा एक्सप्लोर करके फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। अभी देखिए रोड अभी भी वैसे ही है, घाट टाइप से रोड है, ऊपर नीचे ट्विस्ट एंड ऑल। अगर आप देखिए रोड को तो काफ़ी स्टीप है रोड, कहीं कहीं काफ़ी बहुत नीचे ढलान है। रोड भी चौड़े नहीं है उतने, अगर कोई सामने से गाड़ी आ रही है तो थोड़ा या तो आपको रोड से नीचे उतरना पड़ेगा थोड़ा, या बैक करके थोड़ा उनको साइड देना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा है इशू। अदरवाइज रोड जैसे महाराष्ट्र स्टेट हाईवे के रोड्स होते हैं वैसे हैं, अच्छे हैं, गड्ढे वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गड्ढे वगैरह मतलब दिखते नहीं है। बाकी बस पहुंचने वाले हैं आधे घंटे में, वहाँ पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं कैसैली, एक मिनट ही बस दिख रहे हैं। और जब आप इधर आओगे तो बीच में आई थिंक छोटा सा एरिया आएगा जो गांव के अंदर से होकर आया, और थोड़ा सा रफ पैच है बट ठीक है। और ये समंदर दिखाई दे रहा है हमें, और यहीं पे क्लिफ से नीचे जाने का रास्ता है जहाँ पे एक छोटा सा सुंदर सा बीच है। वहाँ पर अंदर जाना पानी में तो ज़्यादा अलाउड नहीं है, बाहर खड़े होकर इंजॉय कर सकते हो।
एक दो शॉप भी है, तो अगर आप पानी वगैरह चिप्स वगैरह खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। तो ये देखिए इस क्लिफ के नीचे वो छोटा सा एरिया है जहाँ पे खड़े होकर बहुत अच्छा व्यू पॉइंट एंजॉय कर सकते हैं। चलिए हमारा ही फर्स्ट टाइम है, आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए लोकेशन पे, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है अभी, और अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए। व्यू दिखाता हूँ आपको, देखिए इधर से हम लोग आए हैं इस साइड से, और यहाँ पे गाड़ी पार्क की है। ऐसे काफ़ी सारी जगह है गाड़ी पार्क करने की, यहाँ भी आप कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कुछ लोग आगे भी ले करके गए हैं। और इधर से जस्ट एक व्यू देखते हैं, फिर हम लोग नीचे जाएँगे। मैं वही बता रहा हूँ कि हमको कहाँ जाना है। सबसे पहले यहाँ से आप व्यू देखिए, एक ये देखिए, ये जो नीचे आपको व्यूइंग पॉइंट दिख रहा है वहाँ हमको जाना है, और जब हाई टाइड नहीं होता है तो यहाँ से उतर के फिर आप इस एरिया में घूम सकते हैं। यहाँ पे सैंड रहता है, बट अभी हाई टाइड की वजह से पूरा पानी है, बट फिर भी कुछ लोग हैं वहाँ पे रॉक पे, तो हम लोग जाएंगे अभी उधर। एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं नीचे, मतलब पानी में तो नहीं जा सकेंगे, अलाउड नहीं है, बट हाँ पत्थर तक हम लोग जरूर जाएंगे। तो अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं सीढ़ियों से, ये देखिए थोड़ा सा स्टीप है स्टेयर्स, बट मतलब मैनेजेबल है। अभी बस एक मिनट के अंदर हम लोग नीचे पहुंच जाएंगे। ठंडी ठंडी हवा भी यहाँ पर आ रही है, बहुत अच्छी। ऊपर थोड़ी गर्मी है, लेकिन यहाँ पर आई थिंक समुद्र की वजह से नीचे जो वेव बन रही है उससे जो एयर प्रोड्यूस हो रहा है वो चट्टानों में टकरा के वापस आ रहा है, तो वो बहुत ठंडी ठंडी हवा मिल रही है। तो अभी हम लोग नीचे से घूम के आ गए हैं, हालत ख़राब हो गई है क्योंकि एक्चुअली हमको पहुंचने में थोड़ा डिले हो गया, और ये ऑलमोस्ट आपका दोपहर का टाइम है, तो धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ के आने में थोड़ा टाइम लग गया। ये वाला जो पॉइंट है व्यू पॉइंट, यहाँ पे गर्मी है काफ़ी, व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है, बट जब हम लोग यहाँ से उतर के इस एरिया में गए तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंडक है, और उतनी गर्मी नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, एकदम वन स्ट्रेच में नीचे से ऊपर तक आना एक बिग टास्क है, और धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं अभी। हमारा देवघली बीच कसेली का एक वीडियो जहाँ हमने कोशिश करी है दिखाने की, इन्फॉर्मेशन देने की आपको। अब हम यहाँ से वापस अपने घर की ओर जाएंगे, और आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो।
चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और होपफुली हम लोग आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। एंड होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं कोई ऐसा, प्लस एंटरटेनमेंट भी आपकी हो जाएगी। बाय फॉर नाउ, सी यू। चलिए, हमारे कुंकेश्वर ट्रिप का ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो रहा है। हमारी इस सीरीज़ में टोटल 6 वीडियोस आए हैं एंड आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे। हमारा चैनल आपको अगर अच्छा लग रहा है और हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए। और आगे हमारे वीडियोस आने वाले हैं जो मोस्टली पुणे के आसपास होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में मानसून स्टार्ट हो चुके हैं और अभी हमारे सारे सीरीज मानसून से रिलेटेड होंगे। तो अगर आप भी हमें कुछ जगह रिकमेंड करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए और बताइए ऐसे जगहों के बारे में जो हम वन डे ट्रिप कर सकते हैं। तो हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। टिल देन, बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय।